दिग्गज एक्टर सुनील दत्त अपनी पत्नी नरगिस के काफी करीब थे। हालांकि शादी के कुछ सालों बाद नरगिस का कैंसर की वजह से निधन हो गया था। इसके बाद सुनील दत्त बुरी तरह से टूट गए थे। पत्नी के निधन को लेकर सुनील दत्त ने एक इंटरव्यू में खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि पत्नी नरगिस के गुजरने के बाद उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई थी और वह किस तरह बुरे वक्त में खुद को संभाल रहे थे। तबस्सुम के एक इंटरव्यू के दौरान सुनील दत्त ने बताया था कि पत्नी नरगिस को खोने के बाद उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा था। मैं सच कह नहीं सकता इसके बारे में। क्या है कि इंसान सोचता है कि किसी के जाने के बाद वह शायद वो जी नहीं पाएगा। मगर पता नहीं कैसे जी पाते हैं लोग। मैं भी ये सोचा करता था और अब मैं खुद जी रहा हूँ। जो मेरी जिंदगी इस वक्त चल रही है, मदर इंडिया का गाना, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, कभी कभी बहुत याद आता है। सुनील और नरगिस की मुलाकात महबूब खान की मदर इंडिया के सेट पर हुई थी। फिल्म में दोनों ने माँ बेटे का किरदार निभाया था। सुनील और नरगिस ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया था। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान सुनील दत्त और नरगिस काफी करीब आए थे। 11 मार्च 1958 को दोनों ने शादी रचा ली थी। कपल के 3 बच्चे हुए जिनके नाम संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त हैं। गौरतलब है कि 1980 में नरगिस पैनक्रियाटिक कैंसर का शिकार हो गई थी। उनका न्यूयॉर्क में मेमोरियल स्लोएन कैटरिंग कैंसर सेंटर में लंबे वक्त तक इलाज चला। लेकिन तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ। भारत लौटने के बाद नरगिस की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। फिर उन्हें आनंद फानंद में ब्रिज कैंडी अस्पताल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्हें बचाना मुश्किल हो गया। साल 1981 में नरगिस का निधन हो गया। उस वक्त वह महज 51 साल की थी।